सो हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बेहतरीन टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि इंडिया ने एक बार फिर से हिस्ट्री रच दी है। सो टॉपिक ये है कि जैसे इंडिया ने जो क्रूड ऑयल है जो यूएई से खरीदता आ रहा है, वो अब जो पेमेंट है वो इंडियन रुपीज में करेगा। तो इसको विस्तार में हम लोग समझेंगे। सो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको जल्दी से क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। जैसा कि आप ये प्रेस रिलीज देख सकते हैं, ये इंडियन एम्बेसी की तरफ से इशू करी गई है और इसमें साफ लिखा है कि जो पेमेंट होगा यूएई को वो इंडियन रुपीज यानी कि लोकल करेंसी में होगा। अब आप कहेंगे कि ये तो पहले भी हम लोग रशिया के साथ करते आए हैं। अब देखिए, रशिया को जो हम लोग क्रूड ऑयल खरीदते थे, जो कच्चा तेल खरीदते थे, उससे हम लोग इंडियन रुपीज में पेमेंट करते थे। उसके लिए नास्त्रो वास्त्रो अकाउंट भी खोले गए थे रशिया में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रशिया के ऊपर यूएस ने काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए, जिसमें स्विफ्ट पेमेंट से भी रशिया को बाहर कर दिया, इसीलिए इंडियन रुपीज़ में पेमेंट किया गया। अब रशिया के पास काफ़ी सारे इंडियन रुपीज़ हो गए थे, तो उन्होंने सोचा क्या करें, तो उन्होंने इंडिया से बॉन्ड्स खरीद लिए, जो कि इंडिया में ही पैसा वापस आ गया। अब देखिए, लोकल करेंसी की बात सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी 2022 में, जो कि चाइना ने कहा था कि सऊदी अरेबिया से जो भी हम लोग ऑयल, क्रूड ऑयल परचेज करेंगे वो युआन में परचेज करेंगे। उसके बाद जो है यूएस का एक बहुत सख्त रूल आया। अब देखिए, चाइना ने क्या कहा था गल्फ कंट्री से, चाइना ने कहा था कि जो भी हम लोग आपसे ऑयल परचेज करेंगे, काफ़ी प्रेशर करा था गल्फ कंट्रीज पे कि भाई हम जो भी ऑयल परचेज करेंगे आपसे वो युआन में ही परचेज करेंगे। अब इसको देख के यूएस जो है वो शांत नहीं रहा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूएस जो है वो शांत तो बैठने वाला नहीं था, तो यूएस ने सऊदी अरेबिया पे काफ़ी प्रेशर डाला और कहा कि देखिए, जो भी ऑयल परचेज करना है वो डॉलर में परचेजिंग होगी, चाहे इंडिया आए, चाहे कोई भी आए, चाइना, कोई भी देश आए, उसको जो है पहले करेंसी अपनी चेंज करनी पड़ेगी डॉलर में, उसके बाद ही पेमेंट हो सकता है। आर्टिकल में आप ये भी पढ़ सकते हैं कि ये भी कहा गया कि चाइना के युआन को एक्सेप्ट नहीं कर। अब देखिए, अगर सऊदी अरेबिया अगर लोकल करेंसीज में पेमेंट लेने लगा तो पेट्रो डॉलर जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। ये पेट्रो डॉलर जो है ये 1971 में एग्रीमेंट साइन हुआ था सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच। इससे क्या होता है कि जो भी पेमेंट होगा वो डॉलर्स में किया जाएगा। ये जो आइडिया था पेट्रो डॉलर का, ये हेनरी कैसेंजन का आइडिया था। इन्होंने सऊदी अरेबिया को ऑफर दिया था जो भी परचेजिंग होगी वो डॉलर में होगी, इसी को ही हम लोग पैट्रिया डॉलर कहते हैं। अब देखिए, आपके मन में क्वेश्चन बन सकता है कि जो ऑयल हम लोग परचेज कर रहे हैं वो यूएई से परचेज कर रहे हैं, ना कि सऊदी अरेबिया से। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूएई के पास इतने रिजर्व नहीं हैं ऑयल के। अब देखिए, यूएई अगर करेंसी के लिए मान जाता है तो सऊदी अरेबिया भी एक दिन मानी। यूएसए इस बात को लेके चिंतित तो जरूर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज मोर देन लव फॉर दिस वीडियो।